हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है, ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है, दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है, तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारा माणम मांड बड़ी चेलो ते तुम ये ना नानगे ये मम पढ़ाई कहा, यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब
लिप्त होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले